मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं। शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। यहीं मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। याद है ना, मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी। गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गांव थे जहां बिजली, पानी और सड़क तक नहीं थे। आज गांव गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल का जमाना है, डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए, मोबाइल टावर दूर सुदूर पहाड़ों में भी लगाने का बड़ा तेज अभियान चलाया है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आप याद कीजिए, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक्का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है।
इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फायदा हुआ है। यही नहीं, इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है।